हेलो चिल्ड्रेन, दिस इज़ क्लास 3 हिंदी चैप्टर 13 मिर्च का मजा। आज इस वीडियो में हम लोग चिंतन से संबंधित प्रश्न उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, काबली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। काबली वाला ये बात किससे कहता है? कुंजड़िन से, कि अगर ये लाल चीज़ खाने की चीज़ है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, कुंजड़िन यहाँ किसे कहा गया है? जो सब्जी बेच रही है। तो सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? तो इसका आंसर होगा, काबली वालों को सब्जी वाले से पूछना चाहिए था कि ये क्या है, इन्हें कैसे खाता है और इसका स्वाद कैसा होता है। अगला प्रश्न है, चवन्नी। चवन्नी मतलब चार आना। आप लोगों ने तो चवन्नी नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने देखा है चवन्नी किस तरह का होता है, उसमें कितने पैसे होते हैं। तो चवन्नी मतलब चार आना होता है और इसमें 25 पैसे होते हैं। तो अठन्नी को क्या कहते हैं? अठन्नी में कितना आना होता है, उसमें कितने पैसे होते हैं, आपको ये बताना है। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं और एक रुपये को हम लोग क्या कहते हैं? एकन्नी। एकन्नी मतलब कितने आना, ध्वन्नी मतलब कितने आना, और एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा, एक रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के अर्थात 16 आने होते हैं। अठन्नी मतलब 8 आना है, इकन्नी मतलब 1 आना, अध्वन्नी मतलब 2 आना है। अगला प्रश्न है, तुम बाजार गए, दुकान में बहुत सारी चीज़ रखी है, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद की चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता है। तो तुम उस चीज़ को दुकानदार से कैसे पूछोगे, उसका दाम तुम कैसे पूछोगे? तुम बाज़ार जाते हो, तुम्हारे सामने बहुत सारी सामान रखी है, बहुत सारा सामान रखा है, लेकिन तुम उस सामान को न पहचान रहे हो, न उसका दाम जान रहे हो। तो तुम उस दुकानदार से किस तरह से पूछोगे कि हाँ वो चीज़ क्या है, उसका कितना प्राइस है? ये चीज़ तुम कैसे पूछोगे दुकानदार से? जैसा कि आपको यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ, आइसक्रीम है, जलेबी है, अनार है, गुलेल फेंकने वाला है, अनानास है, पतंग है, पेंसिल है और आम है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसका नाम नहीं जानते और इसका क्या प्राइस है ये भी नहीं जानते हैं। तो तुम दुकानदार से इसका दाम कैसे पूछोगे? तो इसका आंसर होगा, हर चीज़ की ओर इशारा करके या उसे उठाकर पूछेंगे कि इसका नाम क्या है और इसका दाम कितना है। क्वेश्चन है, लाल मिर्च देखकर काबली वाले के मुंह में पानी आ गया, तुम्हारे मुंह में किन किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? जिसका आंसर होगा, रसगुल्ला, चॉकलेट, केक, आम, चाट, रसमलाई, खीर, हलवा इत्यादि को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो बताया वही आप अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि आपको किस किन चीज़ों को देखकर, किन किन खाने की चीज़ों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। और आप इन सारे प्रश्न उत्तर को कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षर में सही सही लिखिएगा। धन्यवाद।